जय हिंद दोस्तों मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी तो एक बार जुड़ जाइए क्लास के अंदर और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है येस एन ओ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कमेंट कर दीजिए ओके okay, सब कुछ गुड है तो शुरू करते हैं जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रही हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर हमारे सोर्ट्स वीडियो देते हैं जबकि पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्रैक्ट रखती है, पॉंट तु पॉंट तु है। पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए क्लासेज जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को देखने को मिलते हैं और पेपर सेकंड दोनों देखने को मिलते हैं इसमें आपकी लाइव क्लासेज रहती है एमसीक्यू सी की प्रैक्टिस आपका रहता है ठीक okay. है हर चीजें आपको प्रोवाइड तो और करवाइएफॉर्म पर होली स्पेशल ऑफर चल रहा है अगर आप कोई भी चीज कोर्स करना चाहते हैं तो जाकर परचेज कर सकते हैं होली के ऑफर आपको थर्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है होली पर हर बैच पर ठीक okay. है तो आप जाकर इस बैच का फायदा उठा सकते हैं तो बोध संघ हम शुरू कर चुके थे बौद्ध संघ में हमने जितने भी पदाधिकारी आसन प्रज्ञापक सलाहकार ग्राहक और बौद्ध संघ के जितने भी साधारण नियम चलाने वाले कुछ साधारण पदाधिकारी उनके बारे में पढ़ा ठीक है फिर बौद्ध धर्म के उपोषित यानी वैसाख उपोषित असाठ उपोषित अश्विन उपोषित और माघ उपोषित इसके बारे में पढ़ा था वैसाख उपोषित जो होता है वो बुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है उपलक्ष्य होता है बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु असाठ उपोषित होता है बुद्ध बौद्ध धर्म में दीक्षा धर्म दिवस से संबंधित है असाठ उपोषित और धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए इसमें होता है और वर्षा ऋतु का समय निर्धारित किया गया है अश्विन होता है कि परवर्ण दिवस इसे कहा जाता है विश्राम जो होता है है समाप्त हो जाता है। और माघ उपोषित संघ से संबंधित है प्रिया कौशिक गुड इवनिंग बहन शुभ संध्या देखिए उपोषित हो गया सबसे पहले वैसाख होगा तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होगी जन्म होगा ज्ञान प्राप्ति होगी नृत्य होगी उसके बाद असाष उपोषित जो होगा उसके अंदर जैसे धम दिवस कहेंगे जब मैं जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या करेंगे धर्म निर्धारित करेंगे एक संघ बनाएंगे ठीक है धम होगा धम दिवस होगा उसके बाद परिवर्ण दिवस होगा यानी धर्म में जब आएंगे तो उसके अंदर धर्म चक्र परिवर्तन होगा धर्म का उपदेश होगा वर्षा ऋतु का उसमें वर्णन होगा और विश्राम का समय निश्चित किया जाएगा लेकिन विश्राम का समय निश्चित हो गया अब जो आगे उपोषित आएगा अश्विन उपोषित उसमें क्या होगा कि आपको विश्राम छोड़ना है और फिर से धर्म प्रचार के लिए जाना है फिर आ जाता है माघ उपोषित माघ उपोषित में संघ दिवस इसे कहा जाता है संगठन से संबंधित है उपोषक क्या होते हैं उपोषित जो होते हैं महीने के चार दिन पर, चार, महीने में चार प्रमुख उपोषित होते हैं जिनके अंदर उपवास किया जाता है और दोष स्वीकृति की जाती है ठीक है देखिए बौद्ध संगति हम कर चुके हैं प्रथम बौद्ध संगति हो चुकी है प्रथम बौद्ध संगति चार सौ तेरासी इसके अंदर हुई थी राजगृह आधुनिक राजगिर बिहार के अंदर हुई थी सप्तानी गुफाओं में किया गया था महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही इस संग इस संगति का आयोजन किया गया था इस संगति में बौद्ध यानी थेरों ने भी भाग लिया था बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप थे, थे। महाकश्यप ने इनमें अध्यक्षता की थी हालांकि इसके अंदर तीन व्यक्ति थे महाकश्यप उपाली और आनंद उपाली जो थे वो उनके सबसे व्यवृद्ध शिष्य थे यानी सबसे बुजुर्ग थे और आनंद जो थे वो प्रिय थे महाकश्यप जो थे वो पंडित थे उनकी शिक्षाओं का संज्ञान किया गया यानी महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी वो अलिखित थी और इनके अंदर उसको राइट डाउन किया गया था द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 483 बीसी माफी चाहूंगा भाई जय हिंद अंजू जय हिंद तो फर्स्ट जो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कब ऑर्गेनाइज की गई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज की गई थी 483 बीसी महात्मा बुद्ध के जन्म मृत्यु के थोड़े समय बाद कहां पर की गई थी केव है सप्तपर्णी सप्तापर्णी केव कहां पर राजगीर राजगी राजगृह आपका रहता है राजगीर बिहार के अंदर कहां पर है ये बिहार में कहां पर बिहार कहां पर है राजगीर बिहार में रीतपाल गुड इवनिंग मैन राजगीर बिहार के अंदर बिहार में हुई थी ठीक है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेडी अभी वर्तमान में आपका रहता है, जो टाइमिंग है, यहाँ पर यह रहता है है, है पर पर जो अब ये बिहार में ठीक है मॉडर्न एरिया जो इनका है अब वो बिहार का है तो इसके अंदर क्या था ये शोर्टली आफ्टर महात्मा बुद्ध अटेंड द निर्वाण जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था तब ये संगति हुई थी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्थावि दिज थेरो स्थावि थे जो थेरो थे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस संगति इन्होंने पार्टिसिपेट किया था थेरोज ने, किन्नेरस या फिर स्थाविर क्लियर इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष थे जो इसके अंदर प्रीष्ट थे वो कौन थे महाकश्यप थे ठीक है महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख जो प्रमुख शिष्य में एक महाकश्यप महापंडित थे ठीक महा महा है और महापंडित महाकश्यप थे ओल्डेस्ट थे उपाली और जो डिस थे जो प्रिय शिष्य थे बिलोव थे तो वो थे आनंद संग हिज टीचिंग इन संगति क्लियर आगे चलते हैं सेकंड संगति के ऊपर द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा के अंदर हुई थी वैशाली में उसकी अध्यक्षता सभाकमी के द्वारा की गई थी इसमें संघ में विभेद हुआ परंतु बौद्ध धर्म में अभी तक विभाजन नहीं हुआ था देखिए दूसरी जब बौद्ध संगति होगी इसके 100 साल बाद होगी 483 483 में से 100 कम होंगे 383 आ जाएगा ठीक है सेकंड बौद्ध संगति बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी यह हुई कब 383 एटी थ्री बीसी थ्री एटी थ्री बीसी कहां पर हुई वैशाली कहां पर हुई वैशाली में वैशाली में ही हुई थी और वैशाली में जो उसके संरक्षक थे जो उसके संरक्षक शासक थे वो थे कालाशोक काला शोक देखिए पहले हमने राम को पढ़ा था राजगृह आजाद शत्रु महाकश्यप ठीक है कालाशोक जो थे शिशु नागवंश के थे शिशु नागवंश के ये व्यक्ति थे शिशु नागवंश के अध्यक्षता जो की थी अध्यक्षता इसके जो अध्यक्ष थे वो सभा कमी सभा कमी ठीक है सभा कामी या फिर सर्व कामी सर्व कामी सेकंड बौद्ध शक्ति विशाली में काला शोक इसके अंदर <coughs> अध्यक्ष थे सॉरी संरक्षक शासक थे और सभा कमी इसके अंदर क्या थे अध्यक्ष थे तो वी के एस वी के एस वीकेएस के अंदर सेकंड ट्रिक रहेगी सेकंड जो संगति होगी वो वीकेएस में होगी ठीक है वीकेएस इसमें क्या हुआ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या घटा इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें इसमें इंपॉर्टेंट हुआ कि संघ में विभेद देखने को मिला क्या देखने को मिला देर वाज डिवीजन इनटू टू इन टू यूनियन इन दिस टाइम इसमें संघ में बौद्ध धर्म में विभेद हुआ बौद्ध धर्म में विभेद हुआ लेकिन बौद्ध धर्म अभी अलग नहीं होगा लेकिन शुरुआत समझ लो यहां से हो जाती है तो संघ में क्या होगा संघ विभेद हुआ संघ विभेद इस समय हुआ किन किन के बीच स्थावीर और महासांगिक के बीच स्थावीर और महासांगिक महासंगिक इन दोनों जो स्थाविर थे उनकी जो अध्यक्षता उनका जो नेतृत्व कर रहा था उनके नेतृत्व कौन कर रहे थे महाकश्यप थे ये परिवर्तनवादी थे क्या थे सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्थावीर का आएगा महाकंचायान महाकंचायान, एक मिनट भाई चेंज करना स्थावित महाकंसायन महाकायन ये क्या थे ये परिवर्तन विरोधी थे परिवर्तन विरोधी फिर आ जाता है महासांगिक संघिक इसमें जो थे महाकश्यप थे ये परिवर्तनवादी थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी थर्टीन एटी थ्री थ्री एटी थ्री बीसी के अंदर वैशाली में इसके जो संरक्षक शासक थे जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे थे इस, इस, सभा, इस सभा को तो वो कालाशोक थे शिशु नाग वंश के साक्षक थे इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंदर प्रेसिडेंट थे वो सभा कमी थे मिला ठीक है डिविजन उसके अंदर देखने को मिला स्थावीर और महासांगिक के अंदर स्थावीर का जो लीड कर रहे थे वो महाकंसयान थे ये परिवर्तन के विरोधी थे ये चेंज को अस्वीकार करते हिंदी में रिपीट कर दो ठीक है भाई ठीक है ठीक है अनु ठीक है।, है चलो दोनों ही लैंग्वेज यहां पर रहती है अनु तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा तो कर देता हूँ देखिए सरक्ष शासक कालाशोक कालाशोक शिशु नाग से संबंधित थे अध्यक्ष थे सभा कमी सभा कमी सर्वाकमी से कहा जाता है महत्वपूर्ण क्या हुआ बौद्ध धर्म के अंदर क्या था स्थावीर और महासांगिक बोध धर्म क्या हुआ परिवर्तन देखने विभाजन देखने को मिला विभाजन के रूप हमें देखने को यहां पर मिले हालांकि विभाजन अभी नहीं होगा विभाजन इसका चौथी बौद्ध संगति के अंदर होगा तीसरी बौद्ध संगति के अंदर क्या होगा तीसरी बौद्ध संगति में जो अशोक है वो उसकी करेंगे। और अशोक अपने आप को एक डिफेंडर यहाँ पर रखेंगे इसका अगर एक स्ट्रॉन्ग संरक्षक अगर मैं मानू तो अशोक रहेंगे क्योंकि जो भी पथ भ्रष्ट भिक्षु होंगे वो उन्हें निष्कासित करने का काम करेंगे ठीक है तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ हमें विभेद देखने को मिला किस किस के बीच स्थावीर और महासांगिक के बीच स्थावीर का नेतृत्व तो महाकंसयान ने किया और जो महासांगिक है उसका जो नेतृत्व तो कर रहे थे महाकश्यप कर रहे थे महाकश्यप परिवर्तनवादी थे और जो महाकंसयान थे वो परिवर्तनवादी नहीं थे वो परिवर्तन स्वीकार ही नहीं कर रहे थे तो ये थी आपकी दूसरी बौद्ध संगति जो तीन सौ तिरासी बीस के अंदर वैशाली में हुई थी जिसके अध्यक्ष थे जिसकी अध्यक्षता की थी सबाकमी ने और जिसके संरक्षक शासक थे कालाशोक क्लियर है इसके लिए बिल्कुल एक और आसान ट्रिक हो जाएगी देखिए एक और आसान ट्रिक इसके लिए क्या होगी आप केवीएस का एग्जाम सुनते हो केवीएस केंद्रीय विश्वविद्यालय समिति तो केवीएस का जो एग्जाम होता है तो के से कालाशोक वी से वैशाली से सबक केवीएस क्लियर है यस आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होगा आगे होगी तीसरी बौद्ध संगति तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय संरक्षक शासक सम्राट अशोक थे इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस द्वारा की गई थी इसमें अभिधम पीटक का संकलन हुआ और संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे पथभ्रष्ट व्यक्तियों को <laughs> <laughs> हो रही है, छीकी आ रही है पता नहीं क्या कठोर नियम बनाए गए थे पथ भ्रष्ट जो व्यक्तियों को संघ से निष्कासित किया गया था थर्ड संग थर्ड संगति, बुद्धिस्ट काउंसिले दो सौ पचास बीसी आपका रहेगा दो सौ पचास बीसी बिहार अशोका राम विहार है कहां पर ये ये पाटलिपुत्र में है पाटलिपुत्र जैन धर्म हमने पढ़ा था जैन धर्म की पहली बोध पहली जो संगति हुई थी वो भी कहां पर हुई थी वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी तीन सौ बीसी के आसपास पी से पहली और पी से पाटलिपुत्र और पावापुरी में उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था इन्हें मल्लो की जो राजधानी थी दो कुशीनगर और पावापुरी एक में महा, ए, महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ और एक में महात्मा बुद्ध को ठीक है तो 250 सौ पचास बीसी अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र क्लियर अध्यक्ष इसके जो संरक्षक शासक थे अशोक एक मिनट रुकिए भाई बाहर से साउंड ज्यादा आ रही है एक मिनट रुक जाइए एक मिनट आपको भी वो परेशान कर रही होगी साउंड सिर्फ एक मिनट बौद्ध संगति थर्ड बुद्धिस्ट 250 बीसी दो सौ पचास बीसी में हुई थी जो इसके संरक्षक थे जो इसके डिफेंडर थे जिसको प्रोटेक्शन दे रहे थे वो कौन थे ये हुई कहां पर थी पहले स्थान कौन था अशोका राम बिहार अशोका राम विहार ये पाटलिपुत्र के अंदर है भाई कहां पर है पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र के अंदर हमने जैसे हमने अथर्ववेद को पढ़ा था तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया अछूतों की धरती कहा है क्योंकि यहां से पाटलिपुत्र जो गंडक नदी थी उसी को ही जो आर्यों की सीमा थी वो वहां तक मानी गई थी पहले आर्य सप्तव प्रदेश में आकर बसे थे लेकिन बाद में राहुगण की कथा के अनुसार हमने पढ़ा विधे माधव की कथा कि राहुगण मुख में अग्नि धारण करके उत्तर भारत के अंदर जब आर्यकरण कर रहे थे तो वो सिर्फ गंडक नदी तक जा पाए जा पहुंच पाए थे और गंडक नदी में ही वो अग्नि गिर कर बुझ गई थी तो उनको वहीं तक सीमा उनकी मानी गई थी दक्षिण भारत में जो विश्वामित्र के द्वारा आर्यकरण किया गया था और उत्तर भारत में राहुगण के द्वारा दो सौ पचास बीसी अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र ठीक है पाटलिपुत्र इसके जो संरक्षक शासक अशोक सम्राट अशोक अध्यक्षता अध्यक्षता मोगली पुत्रोग मोगली पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र ने इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ भाई इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही वो क्या थी एक तो अभिधम पीटक की रचना हुई अभिधम पीटक का संकलन हुआ पांचवें सूत्र के रूप में सूत्र के रूप में ठीक है मोगली पुत्र के द्वारा ये जोड़ा गया था कथा वस्तु पांचवें सूत्र पांचवें सूत्र के रूप में कथा वस्तु मोगली पुत्र के द्वारा जोड़ी गई थी मोगली पुत्र के द्वारा जोड़ी गई थी दूसरा संघ में जितने भी पथ भ्रष्ट संघ भेद रोकने के लिए संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए पथ भ्रष्ट पथ भ्रष्ट को सफेद वस्त्र पहनाकर और उन्हें उनके सिर मंडवाकर संघ से बाहर कर दिया गया था भिक्षुओं को संघ से निष्कासित किया गया था संघ से निष्कासित निष्कासित किया गया था ठीक है बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए थे तीसरी बौद्ध संगति कब हुई २५० सौ पचास बीसी राम बिहार सरक्षा अशोक पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के अंदर ये पढ़ती है अशोक राम बिहार पढ़ता है ठीक है अध्यक्षता की थी महत्वपूर्ण तो के द्वारा जोड़ी गई थी ठीक है दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या घटी कि संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए जो पथ भ्रष्ट भिक्षु थे जो जिन भिक्षुओं का नैतिक पतन हो चुका था तो उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया गया बाहर निकाल दिया गया और क्या किया था उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर क्या किया संघ से निष्कासित कर दिया गया था शरण मंडवाकर उसके बाद क्या किया धर्म प्रचारक भेजे गए जैसे महेंद्र और संघ मित्रा को श्रीलंका भेजा गया था ठीक है इसी प्रकार बहुत सारे धर्म प्रचारक भेजे गए थे जब हम अशोक को पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा धर्म प्रचारक किस दिशा में कब गए और किस शासक के समय वो वहां पर रहा था है। तो सेकंड थर्ड संगति हो चुकी है तो आगे बढ़े थर्ड संगति बुद्धिस्ट काउंसिल टू हंड्रेड फिफ्टी बीसी के, हुई थी। में था, पाथल पाथल के है। इसके जो प्रोटेक्शन कर रहे थे वो अशोक थे और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो मोगली पुत्र थे इंपोर्टेंस फैक्ट इसके घटनाएं क्या थी इंपोर्टेंस था अभिधम पीटक का इसके अंदर संकलन हुआ था ये लिखी गई थी अभिधम पीटक की राइट right किया गया था और इसके अंदर जो पांचवें सूत्र के रूप में जो कथा वस्तु थी वो मोगली पुत्र के द्वारा जोड़ा गया था एड किया गया था संघ भेद को रोकने के लिए संघ के अंदर जो डिवीजन था उसको रोकने के लिए डिवाइजन जो चल रहा था उसको रोकने के लिए जितने भी हार्ड नियम बनाए गए थे ठीक है और जितने भी नियम बनाए गए थे और जितने भी पथ भ्रष्ट जो भी भिक्षु अपने नीतिक नियमों को भूल गए था उन्हें संघ से आउट कर दिया गया था निष्कासित उन्हें कर दिया गया था निकाल दिया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध जो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म था उसके प्रचार के लिए अलग अलग धर्म प्रचारकों को बाहर भेजा गया था तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ में आ गया उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लियर है देखिए भैया तो इसकी जो ट्रिक रहेगी देखिए हमने शुरू किया था राम के वी एस या फिर वी के एस ठीक है इसकी जो ट्रिक रहेगी ये रहेगी पी एम और ए एम ठीक है पीएम या फिर ए एम भी आप लिख सकते हो पी से पाटलिपुत्र मैं से मोगली पुत्र थी और ए से अशोक ठीक है ए से अशोक पीएम जो टाइमिंग होती है पीएम एम देखते ना पीएम और ठीक है पीएम एम देखते ना तो ये उससे जुड़ा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी इसके संरक्षक शासक कनिष्क थे और इस संगति की अध्यक्षता वशु के द्वारा की गई थी इस संगति में बौद्ध धर्म के दो भागों में बांट दिया गया था बौद्ध धर्म को दो भागों में इसमें बांट दिया गया हीनयान और महायान जो हमने जो हमने संघ विभेद स्थावीर और महासांगिक के अंदर देखा था वो भी बाद में इकट्ठे होकर दोनों से बौद्ध धर्म का विभाजन उसमें तक नहीं हुआ था वो दोनों ही इकट्ठा होकर महायान शा हीनयान शाखा में मिल जाते हैं तो किस शाखा में मिल जाते हैं नियन शाखा में वो मिल जाते हैं चौथी बौद्ध संगति कौन सी है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी 98 एट ईस्वी एडी आप इसको बोल सकते हैं एट एडी ठीक है कुंडल वन कश्मीर कुंडल वन कश्मीर सुरक्षक शासक कनिषक कुषाण वंश के ठीक है कनिषक कुषाण वंश से संबंधित थे अध्यक्ष जो थे वशोमित्र इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह हुआ कि इसके उपाध्यक्ष भी थे भाई उपाध्यक्ष भी इसके बने थे असव घोष असव घोष इसके उपाध्यक्ष भी रहे थे महत्वपूर्ण क्या हुआ इसमें महत्वपूर्ण यह रहा कि बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया और महायान हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था थर्ड बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर संस्कृत में विचार विमर्श के बाद वशुमित्र के द्वारा महाविभाषा शास्त्र का संकलन किया गया था क्या हुआ जो बौद्ध धर्म के कठिन अंश थे साहित्य के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करके विचार विमर्श के बाद वसुमित्र ने वसु मित्र ने माविभाषा विभाषा विभाषा का संकलन किया ठीक है मां विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया तो था चौथी बौद्ध संगति हो गई पहली बौद्ध संगति कब हुई चार सौ तिरासी दूसरी कब हुई तीन सौ तिरासी सॉरी आ... सेकंड हुई तीन सौ तिरासी तीसरी कब हुई दो तो सौ पचास फोर्थ कभी अठानवे ईसा पूर्व ईस्वी सॉरी और अठानवे कहीं पर आपको इसको डेट आपको मिलती है पहली शताब्दी भी आपको देखने को मिलेगी अगर वहां पर डेट ना लिखी होगी तो पहली शताब्दी वहां पर देखने को मिलेगा तो ये पहली शताब्दी के अंदर ही आता है अठानवे तो पहली शताब्दी आपको देखने को मिलेगी द फर्स्ट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर इट्स पेट्रोन रूलर जो उसके संरक्षक शासक थे पेट्रोन रूलर जो इसके प्रोटेक्शन दे रहे थे वो कनिषक थे अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे इसके वशुमित्र थे जो इसके वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो असव घोष इंपॉर्टेंट क्या हुआ जो बौद्ध धर्म था वो डिवाइड हो गया टू दो भागों के अंदर टू पार्ट उसके हो गए डिवाइड हो गया हीनयान और महायान के अंदर हमारे जो स्थाविर और महासांगिक को पढ़ा था वो हीनयान में आकर मिल गए थे स्थावीर और महासांगिक ये दोनों हीन ही यान में मिले थे क्लियर कमेंट कीजिए नहीं है है वो ठीक है स्थावीर और महासांगिक जो हमने दो दूसरी शताब्दी के अंदर हमने विभेद देखने को मिला दूसरी दूसरी संगति के अंदर में जो विभेद देखने को मिला था दूसरी बौद्ध संगति के अंदर में विभेद देखने को मिला बौद्ध धर्म में महास्थावीर और महासांगिक के बीच तो वो दोनों ही आकर किस में मिले हीनयान में आकर मिल गए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था फिफ्थ बोध सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ठीक है okay. फिफ्थ आता है बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई 630 एडी के अंदर 630 सौ ईस्वी में यह बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके जो पैटर्न शासक थे जो इन्होंने किया था वो हर्षवर्धन ने किया था संरक्षक कौन थे हर्षवर्धन अध्यक्षता जो की थी वो की थी हवेन सांग ने हवेन सांग ठीक है हर्षवर्धन के द्वारा दो धार्मिक सम्मेलन किए गए थे एक कन्नौज और प्रयाग में दोनों के अंदर महासेन गुप्त को बुलाया गया था महासेन गुप्त को बुलाया गया था <coughs> कहा जाता है कि महासेन गुप्त ने शिव के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था

आगे देखिए आपको विजिबल है ना ये हैंडराइटिंग को जो लेखन है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना और समझने के ऊपर ध्यान देना ठीक है तो ये रहेंगे मुख्य बिंदु और ये रहेंगे हीनयान और महायान के अंतर हम यहीं पर देख लेंगे एक बार तो मुख्य बिंदु लोग यहां पर जो थे इसके लोग थे निम्न मार्गी ये उत्कृष्ट मार्गी थे सिद्धांत इनका जो था वो रूढ़िवादी हीनयान रूढ़िवादी थे महायान प्रगतिवादी थे यानी बदलाव स्वीकार कर रहे थे इनकी मान्यता थी हीनयान वालों की कि बुद्ध जो थे वो महापुरुष थे ठीक है महायान वाले कहते थे कि महात्मा बुद्ध एक देवता है हीनयान थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ये मूर्ति मुर्त, पूजा के समर्थक थे इनका हीनयान का जो केंद्र था वो कोसाम्बी था और इनका जो केंद्र था वो मथुरा था ग्रंथों की भाषा पाली थी और इनकी संस्कृत रही निर्वाण यानी कल्याण व्यक्तिगत होता है इन्होंने कहा था कि सभी के लिए निर्वाण है सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं क्या इन्होंने कहा था कि जो विस्तार है इनका इनका विस्तार रहा था दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बौद्ध धर्म इन्होंने फैलाया और यह रहे उत्तरी भारत के अंदर उत्तरी बौद्ध धर्म इनके अंदर विस्तार देखने को मिलता है रिपीट कर रहे हैं ना

दक्षिणी बौद्ध धर्म केंद्र था यानी दक्षिण भारत के अंदर फले थे महायान की अगर मैं बात करूं तो महायान के जो लोग थे वो उत्कृष्ट मार्गी थे और इनका सिद्धांत प्रगतिवादी था और ये माता बुद्ध को देवता मानते थे और समर्थक थे मूर्ति पूजा के इनका जो केंद्र था वो मथुरा था और इनके जो ग्रंथ थे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे महायान के जो संस्कृत ग्रंथ थे वो आ, महायान के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे इन्होंने कहा था कि निर्माण सभी को प्राप्त हो सकता है और इनका जो एरिया था जो इनका क्षेत्र था विस्तार था वो उत्तरी बौद्ध धर्म की तरफ था यानी उत्तर भारत की तरफ था क्लियर आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं जैसे बौद्धिस्तव बोधिस्तव मतलब उनके आप ये मान लीजिए अवतार का रूप भी देख सकते हैं ठीक है रूप बोधिस्तव यानी रूप माना जाता है महात्मा बुद्ध के ठीक है यह भविष्य का बोधिस्तव है ऐसा माना जाता है कि मेत्रे अभी भी बुद्ध नहीं है और तुषिता स्वर्ग में रहते हैं जो ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में से एक है मेत्रे बोधिस्तव का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व तो लाफिंग बुद्धा है इसे मित्रे का अवतार कहा जाता है यह कौन सा है मित्रे बोधिस्तव जो मित्रे बोधिस्तव है ये उसकी बात कर रहे करें बोधिस्तव इसे क्या कहा जाता है भविष्य का बुध भविष्य का बुध कहा जाता है ठीक है ये कहां पर रहते हैं अभी भी बुध नहीं है मैत्रे अभी भी क्या नहीं है बुध नहीं है ये तुसीता स्वर्ग में रहते हैं कहां पे रहते हैं तुसीता स्वर्ग में रहते हैं जो बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में से एक है मेत्रे बोधिस्तों का एक लोकप्रिय रूप है और इनका प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा है इसे मित्रे का अवतार कहा जाता है लाफिंग बुद्धा को क्या कहा जाता है मित्रे का अवतार कहा जाता है यह भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए माना जाता है क्योंकि कई शास्त्रात इसे गौतम बुद्ध वर्तमान में बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं आगे बढ़े बोधिस्ट ऑफ दूचर लाइट फ्यूचर लाइट सर रिपीट कर दीजिए ओके मित्र मित्र जो है भविष्य के बुद्ध हैं कहां पे रहते हैं तुसीता स्वर्ग में तुसीता स्वर्ग में ये रहते हैं ये क्या है वो जो बोध है जो बोध ब्रह्मांड है उसका एक भाग है एक भाग है इनका जो प्रतिनिधित्व लोक पे ये क्या है लोकप्रिय प्रतिनिधित्व जो इनका है लाफिंग बुद्धा है इनका प्रतिनिधि कौन है प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा लाफिंग है इसे मैत्रे का अवतार कहा जाता है लाफिंग बुद्धा को क्या कहा जाता है मैत्रे का अवतार कहा जाता है अवतार कहा जाता है यह कहते हैं कि भविष्य में प्रकट होगा और कई शास्त्रात इसे कहते हैं कि वर्तमान के बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं यानी वर्तमान में जो हमने बुद्ध देखे थे ये क्या है उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित करते हैं क्लियर अब मैं मानता हूं कि अब किसी भी प्रकार की आपको आशंका नहीं होगी इसमें और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भविष्य का बोधिस्तव किसे कहते हैं तो मेत्रे को कहा जाता है सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं आपसे ठीक है मिलान में इतना ही आता है इससे ज्यादा अभी तक आया नहीं है अवलोकितेश्वर अव लोकतेश्वर यह करुणा का बोधिस्तव है इसे गु अग्निन के नाम से गु अग्निन के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है सभी धनियों का बोधक भी है अवलोकतेश्वर बोधिस्तव को ही एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है जिसके हाथ में कमल है देखिए पद्यमणि पद्य, पणि, इनकी जो समान्यता ली गई है अब लोकितेश्वर दयावान महापुरुष दयावान महापुरुष विष्णु के समानता विष्णु से समानता इसकी रखी गई है अब लोकेतेश्वर जो है ये इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है इनका नाम गु आनिन गु आनिन इन्हें कहा जाता है ठीक है सभी धन सभी ध्वनियों का बोधक सभी ध्वनियों का बोधक इसे कहा जाता है ठीक है अवलोकतेश्वर जो है ये ऐसा बोधिस्तव है महात्मा बुद्ध का जिसे एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्लियर दिस इज दौधिस्तव ऑफ इट इज इज ऑल्सो नोन एज दुआन ऑफ आल साउंड अवलोकतेश्वर बुद्धिस्ट डिस्पेक्टेड एज ए वुमेन होल्डिंग ऑफ लोटस अपने हाथ में इसने क्या किया कमल को धारण किया है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं मंजूश्री मंजूश्री को बोधिस्तव है यानी यह बुद्धि को प्रखर करने वाले बुद्धि को तेज करने वाले हैं, जैसे सरस्वती को माना है यह बुद्धि को तेज करने वाले हैं, बुद्धि को परखर करने वाले करने वाले हैं ब्रह्मा के समतुल्य है ब्रह्मा के समतुल्य है ब्रह्मा के समतुल्य है महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित इसके अंदर रहते हैं। बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजूश्री बोधिस्तव की छवि होती है यानी इनकी जो प्रतिमा आपको देखने को मिलती है वो जो बौद्ध मठ है उनके जो ध्यान कक्ष में ध्यान कक्ष में और पुस्तकालय में ठीक है अध्ययन कक्ष में अध्ययन कक्ष में अक्सर आपको बोधिस्तव जो मंजूश्री मूड मंजूश्री खडकधारी है मंजूश्री खडकधारी जो बोधिस्तव है उसकी मूर्ति आपको देखने को मिलती है चीनी बौद्ध धर्म में मंजूश्री चीन में को चार महान बोधिसत्वों में से एक के रूप में देखते हैं मंजुश्री को पुरुष बोधिस्तों के रूप में दर्शाया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं समांत भद्र यह अभ्यास और ध्यान का बोधिस्तव है समांत भद्द्र जो है यह अभ्यास और ध्यान का बोधिस्तव है समांत भद्र मंजुश्री और बुद्ध एक साथ बौद्ध धर्म के साक्ष्य मुनि त्रिमूर्ति बनते हैं देखिए मंजूश्री को बुद्ध को और सामांत भद्र को सामांत भद्र को तीनों जब मिलते हैं तो बौद्ध धर्म के साख्य मुनि बनते हैं त्रिमूर्ति बनते हैं दिस इज दुद्धिस्ट ऑफ प्रैक्टिस एट मेडिटेशन समांत बद मंजूश दुद्ध साक्य मुनि ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म आगे चलते हैं वज्रपाणी प्रमुख प्रमुख है भैया पूछे जाती है वज्रपाणी यानी वज्र धारण करने वाला बोधिस्तव रूप पाप हुआ सत्य के शत्रु पाप हुआ असत्य के शत्रु इंद्र के समान बताया है पाप सत्य का सत्य के असत्य के शत्रु ठीक है क्या बताया इंद्र के समान इन्हें बताया इंद्र के समान इन्हें बताया गया है ठीक है वह बुद्ध के आसपास के तीनों सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है मानव रूप में वज्र को दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए क्या दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दिखाया गया है उन्हें कभी कभी ध्यानी बोधिस्तव के रूप में भी जाना जाता है जो दूसरे ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य के बराबर है वज्र इज दी बोधिस्तव हु होल्ड दी थंडरबोल्ट ही इज वन ऑफ दी थ्री प्रोटेक्टिव डिट इज सराउंडिंग द बुद्ध वज्रपाणी इन ह्यूमन फ्रॉम हिज नॉन होल्डिंग ए थंडरबोल्ट इन द राइट हैंड ही इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द ध्यानी बोधिस्तव इक्वलेंट टू अनदर ध्यानी बुद्ध अक्षोभ आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं एक आता है अभी ताब ये जो होते हैं स्वर्ग के बुद्ध हैं स्वर्ग के बुद्ध ने कहा जाता है अक्षिति गर्ग अक्षिति गर्ग को शुद्ध स्थानों के अभिभावक स्थानों के अभिभावक भावक, अभी भावक अभिभावक कहा जाता है क्लियर अब आ जाता है बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय क्या जाते हैं बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय आ जाते हैं तो कम आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको चीजें समझ में आई याशियानो और क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में बता सकते हैं बौद्ध धर्म के जो उप हैं उनको स्टार्ट करेंगे कल ठीक है आज के लिए इतना ही था और कमेंट कर दीजिए आपको एक बार कि आपको क्लास कैसी लगी नाइस क्लास सर थैंक यू थैंक यू प्रिया कौशिक थैंक यू और क्लास के अंदर बौद्ध धर्म जब से शुरू किया जैनिज्म जब से शुरू किया है तो पता नहीं चलता क्लास के अंदर समय कब बीत गया थैंक यू सर नाइस क्लास थैंक यू रितिपाल बहन थैंक यू थैंक यू प्रिया कौशिक आप सभी का धन्यवाद है जुड़े रहने के लिए अंजुदक्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनु और क्लास के अंदर पढ़ा करो रिवीजन अपना साथ साथ रखो ठीक है रिवीजन के बिना आप अधूरे हो ठीक है अगर रिवीजन आप करते रहोगे तो आप चलो कोई बात नहीं अनु उसको देख लेना आपके पास वीडियो है अपलोडेड है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है आप उनको देख लेना और कोशिश करेंगे कि संडे को हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर दें चाहे वो दो टू आवर्स की क्लास करनी पड़े या फिर उसके आगे भी बढ़ाना पड़े ठीक है कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म को उस दिन समाप्त कर दें क्योंकि तो मैं सोच रहा हूं मंडे से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने की ठीक है तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ कुछ नए तथ्यों के, के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत